सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं खेती में धान काटने, और ये लगाएगा एक को मतलब ये चूहा पकड़ने का इसला होता है ट्रैप, चूहा पकड़ने का ट्रैप है, इसको खेती में लगाएगा। चूहा लोग पूरा धान को काटा है इसलिए। तो अभी हम लोग सब धान काटने जा रहे हैं, और ये बस्ती आप लोग को बस्ती का तौर भी करवाएगा आप लोग को। तो अभी इसको कैसे लगाते आप लोग को दिखाएगा उधर। खेती भी चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। क्या करे रोक मारो, ये है ग्रुप। और ये हम लोग का ग्राउंड, हम लोग का बस्ती का ग्राउंड, मतलब एक्चुअली में हम लोग का बस्ती का ग्राउंड है, ग्राउंड क्रिकेट खेलने जगह। व्यू बहुत सुंदर है। तो हम पांच जन जा रहे हैं धान काटने। हम चप्पल एक्चुअली में गलती वाला पहन के आ गया ना, तो रास्ता तो बहुत गड़बड़ है, पूरा कीचड़ कीचड़ है, स्लिपरी है। तो खेती और थोड़ा दूर है, ज़्यादा भी दूर नहीं है खेती। यहाँ का खेती में यहाँ का खेती सामने सामने होता है, ज़्यादा सामने होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता है यहाँ का खेती है, बस्ती का खेती। ये बस्ती का गोदाम लोग है, मतलब जहाँ धान को काट के जमा किया जाता है। तो इसलिए ये सब को एक्चुअली में बस्ती से दूर बनाया जाता है, मतलब बस्ती में आग लगने का कारण डर रहता है। तो आग लगने से जितना खेती का धान खत्ता लाता है पूरा जल जाता है आग का साथ, इसलिए वो डर का कारण ये गोदाम गोदाम को बनाया जाता है, जिसका कारण धान बच जाता है। सब जो बस्ती का गोदाम है यहाँ पे, ये पूरा टोटल चार गोदाम है। वो भूत जगह बोला है, तो वहाँ भूत रहता है बोला है, भूत वो भूत जगह बोल रहा है इसके हिसाब से, ये गब्बर के हिसाब से। खेती और थोड़ा दूर है, चराई चलना पड़ेगा फिर खेती के लिए। फिर वहाँ पहुँच के इसको लगाएगा, ये ट्रैप को बिछाएगा। चूहा ट्रैप इसलिए बिछाता है ताकि चूहा जो धान को नहीं खाने के लिए, इसलिए ये ट्रैप को बिछाएगा। इसके बाद फिर कल सुबह उसको देखने आएगा हम लोग। अभी बिछाएगा और धान काटने लायक होने से काटेगा। वैसे तो काटने के लिए निकाला है, पर चेक कर लेगा, मतलब बीजा है ना सूखा है, बारिश गिर रहा था तो शायद बीजाने से नहीं काटेगा। चढ़ाई चढ़ चढ़ के थक गया हम तो, इसको कंधा में बुक बुक के थक गया। पोजीशन चेंज करते हैं, इसको हाथ में सीधा ऐसे पकड़ के ले जाएगा, कंधा में बुक बुक के थक गया। सांस फूल रहे चढ़ चढ़ के, और ऊपर से रास्ता भी ठीक नहीं है, ऊपर से चप्पल स्लिप वाला फेना है, तो पाँव बार बार स्लिप हो रहा है। तो खेती ऑलमोस्ट पहुँच ही गया शायद, ऐसे नज़र आ रहा है खेती। तो हम लोग का यहाँ तो चिड़िया मारना और ये चूहा पकड़ना, ये सब तो ट्रेडिशनली है। तो हम लोग खेती पहुँच गया, जस थोड़ा सा बस एक दो कदम ऐसा कुछ है खेती पहुँचने के लिए। बस्ती का नज़ारा
वो पायू में क्या पायू में नजर आता है। तो ऐसे भी व्यू बहुत सुंदर वाला रहा है। तो यही कहीं में और एक बस्ती है, आप लोग अभी दिखाएगा कि बस्ती मतलब ऐसे पूरा एक बस्ती दिखाई देता है। और खेती में हर खेती एंट्रेंस में ऐसे सीढ़ी लगाया जाता है ताकि जो मिथुन है वो आके पूरा धान को ना खा जाए, इसलिए। तो यहाँ से व्यू ऐसा कुछ है, वो क्लाउड्स पूरा डिस्टर्ब कर दिया, नहीं तो वहाँ हम लोग का जो पायुम सर्कल है वो दिखाई देता है। अगर समय मिलेगा तो कभी दिन वहाँ जाके दिखाऊंगा। और ये हम लोग का सीढ़ी, लोकल सीढ़ी ऐसा ऐसे बनाया जाता है, आप देख सकते हैं। बारिश समय में ये सब बहुत स्लिपरी होता है। और ये है धान का खेती, वहाँ वो है धान का खेती, और यह एक दादी माँ धान खतरा है। अन्ना में कितना तो तो हम लोग जो डायलेक्ट बोलता है उसको भोरी डायलेक्ट बोलता है। जैसे कि अभी अभी हम बोला था तो हम पूछा है दादी माँ को, मतलब अब धान खतरा है क्या, बोला है तो वो बोला धान इस बार कटने के लिए कुछ भी नहीं निकला है। तो देख सकते हैं पूरा धान कट के रखा है। और ये इसको हम लोग का डायलेक्ट में अबोंग बोलता है, अबोंग जो कि धान खटने का बाद रेस करता है, मतलब खाना पीना दिन का यहाँ बना के खाता है खेती करने। और चिड़िया भगाने के लिए कुछ तीन बोतल ऐसे कुछ एक साथ बांध के रखा है। और वहाँ एक ग्रुप वहाँ जा रहा है, पूरा दूर चला गया हमसे बहुत दूर। स्पेशली कितनी रास्ता भी ठीक नहीं है, बहुत खराब है। तो वो लोग हमसे पहले चला गया। धान देख सकता है ठीक से नहीं पका है, कोई कोई कच्चा है, कोई कोई पका है। ये एक खेती से क्रॉस करके, एक खेती को क्रॉस करते ही हम लोग का खेती पड़ता है, तो हम लोग वहाँ धान काटेगा। फिर ये है और एक सीढ़ी लगाया गया है। तो इस बार का धान बहुत ख़राब निकला है, कुछ कुछ तो ऐसे निकला है। तो अभी गब्बर हम दोनों चूहा का थ्रेड बिछाने जा रहा है। अभी हम लोग ये चूहा रास्ता दे दूनेगा, मतलब कहाँ से चूहा घुसता है। हाय, तो ये दुन रहे एक्सपर्ट चूहा घुसने जगह रास्ता, ताकि वहाँ जाल को बिछाने के लिए। ये भी पहाड़ पहाड़ वाला खेती है, पूरा स्लोप है। तो अभी जो धान को चुआ करता है उसको देख रहे ताकि उधर झाड़ को लगाने के लिए। तो अभी हम लोग को दिखाएगा कैसे बनाता है इसको। तो अभी ये लगा के दिखाएगा आप लोग को। यहाँ तक गया ना चढ़ चढ़ के, रोड से बस्ती तक चढ़ा है, फिर बस्ती से खेती तक चढ़ा है। ठीक है एक, तभी हम दोनों जाल बिछा रहे हैं। वो तो कहा होगा, हो जाएगा वो, तो उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं।
अभी इसको जिस रास्ते से छुआ जाता है उधर डालेगा। वो नहीं हिलेगा, चलो तब तो तेल हम लोग 10 तो लाया था, 10 पीस लाया है, तो शायद सबको नहीं बिछा सकेगा होगा, पर जितना हो सकता है उतना बिछेगा। इस बार का दाम देख सकते हैं, ऐसे कुछ निकला ठीक नहीं है ज़्यादा, कोई कोई तो कच्चा है अभी भी, स्पेशली अभी तक दाने से हो जाना चाहिए था, इस टाइप से हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, दान पूरा गड़बड़ होके निकाल रहा है। इस बार का दान थोड़ा ख़राब है देख सकते हैं, ये लोग थोड़ा ठीक से निकला है, ये लोग कटने लायक हो गया, पर अब देख सकते हैं ये नहीं पका अभी तक, ये गड़बड़ है, सूखा सूखा अंदर में इवन दाना भी नहीं है, नहीं है और जगह, हम लोग जगह ढूंढने का कोशिश कर रहा है, मिलने से वहाँ बिछा देगा, नहीं मिलने से नहीं बिछाएगा भाई। हम लोग और जगह ढूंढ रहे बिछाने के लिए, ये जो चूहा का जाल है उसको बिछाने के लिए, वैसे तो बहुत चढ़ लिया ऊपर, और चढ़ ले और चढ़ना, हो तकलीफ है रे ये पोर्सन, ये सब एरिया में चढ़ने बहुत तकलीफ है, बहुत ऊंचा है, ऊपर से चढ़ाई चढ़ चढ़ के आके तक भी गया, तो आप देख सकते हैं हम लोग वहाँ से वो नीचे से आने वाला इतना ऊपर आ गया, हम लोग साइड साइड बेरा का मतलब साइड साइड से जा रहा है ताकि चूहा का ये जो एंट्रेंस है वो पोर्शन ढूंढ सकने के लिए, ऊपर से चप्पल भी स्लिप रही है, एकदम स्लिप स्लिप वाला चप्पल है, चप्पल भी साथ नहीं दे रहा है, थक गया, पर मज़ा कुछ और है बस, तो ये भी हम लोग ये भी बोलने से शिफ्टिंग कल्टिवेशन ही है, इसके बाद ये एरिया को क्लीन करके अभी धान उगाया है, धान को खत लेने के बाद ये एरिया को छोड़ देगा, दूसरा एरिया ढूंढेगा अच्छा वाला जिसमें धान लगा सकता है, हाँ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो चूहा रास्ता नहीं मिल रहा है बोला, शायद मुश्किल से एक दो चूहा घुसता होगा खेती में, अगर नहीं मिल रहा है तो अच्छा बात है, मतलब जो धान है उसको चूहा नहीं खाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो धान को पूरा चूहा खा देता है, तकलीफ हो जाता है, तो अभी वापस जाएगा ना नीचे, फिर तो अभी हम फिर नीचे जाएंगे, नीचे जाके धान काट रहा है, हम लोग धान काटेगा, तो ऐसे शायद आप लोग को उसी दिखाई पड़ेगा ना नहीं पड़ेगा, आप लोग ऊपर दिखाने का कोशिश जरूर करूँगा, आप लोगों को मतलब यहाँ से पायुम सर्कल को दिखाऊंगा, दूर से दिखाई देता है, तो वो जो एरिया कुछ कुछ घर दिखाई दे रहा है तो वो हम लोग का पायुम सर्कल है, एक दिन समय मिलने से वो आप लोग को जाके दिखाएगा, तो वो नीचे से यहाँ तक ऐसा मजा है चढ़ाई चढ़ने, सांस फूल जाता है, पसीना तो पानी जैसा, मतलब बारिश में भीग गया जैसे, नहाया जैसे, नहीं तो पसीना निकलता है, और स्लिप होने का वजह से चप्पल उप्पल टूटने का डर भी रहता है, तो अभी हम दोनों वापस नीचे की ओर जा रहे हैं, धान काटने वाला ग्रुप लोग के साथ जाएगा हम लोग, हाँ अगेन, हाँ होगा ठीक है, तो मम्मी बोला है अगेन लाने के लिए बोला है, अगेन मतलब टोकरी, हम लोग का मतलब डायलेक्ट में उसको जो हम लोग का बोरी डायलेक्ट होता है उसको हम लोग अगेन बोलता है, मतलब जिसमें पूरा सामान को डाल के
दिखता है, आर्टिफिशियल है, खुद बनाता है। और ये इसला है अबोंग, इसको हम लोग अबोंग बोलता है। ये इसको ये जो हम लोग को पहले भी बताया था, इसमें हम लोग दिन को मतलब जैसे कि खेती उती करके थक जाने से यहाँ रेस्ट करता है, और खाना वाना भी दिन का खाना वाना ले जाके यही ला के हम लोग खाता है। और ये जो पड़ोसी लोग का खेती, पड़ोसी खेती है ये। तो ये है अब, और ये गब्बर बैठा हुआ है, इसको अगिन बोलते हैं। इसको ये है अगिन टुकड़ी, इसमें धान को डाल के भूखता है। और ये पाव पूरा ऐसे हो गया, देख सकता है, हाँ यार पाव भी पूरा गंदा गंदा हो गया, रास्ता कीचड़ कीचड़ हो के। तो देख सकते हैं पसीना बहुत निकल गया, यहाँ से भी पसीना बहुत निकला है। और गब्बर हम दोनों अब हम रेस कर रहा है। तो एक को देखने में ऐसा है, ऐसा चूहा यहाँ से जाता है और यहाँ में बसता है चूहा, जो आप लोग को बना के दिखाएगा। तो अभी आप लोग को दिखाएगा एक को कैसे बनाता है। तो इसको ऐसे करता है, इधर से खींच के ये जो रस्सी है इसको ये दोनों का बीच में से आने देता है, ऐसा करके इसको बीच से आने दे के यहाँ इसको ऐसे फंसाएगा। उसके बाद जो ये रस्सी है इसको यहाँ इसको नीचे में से रख के ऐसे पकड़ सकता है। उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के ये जो लकड़ी है यहाँ में बीच में डालेगा। ये एक्चुअली में यहाँ जो जानवर है वो चपने से इसला सीधा ये गिर जाएगा। तो इसको ऐसे बनाता है। और ये चूहा कैसे पकड़ता है बोलते, ये चाकू रस्सी को काटेगा टूट जाएगा। तो चूहा कैसे पकड़ता है बोलने से अभी आप लोग को दिखाएगा। ये जो जस्ट ये जो लकड़ी है इससे चूहा जब पाव रखेगा ऐसा सीधा चूहा डायरेक्ट यहाँ पास जाएगा, यहाँ फंसेगा चूहा। तो ये इक्कू है, इसको ऐसे बना के जो चूहा रास्ता है उसमें ऐसे रखता है। तो अभी हम लोग धान काटने जाएगा, फिर चलो हम लोग अगिन लेके जाएगा ना। तो अभी हम अगिन को लेके जाएगा, चलो निकलेगा। तो अभी हम दोनों फिर पसीदा ग्रेत यानी थोड़ा देर सोएगा, पसीदा ग्रेत यहाँ सोएगा बोलते हैं गब्बर। तो अभी हम अबोंग से निकला, ये अगिन लेके जाएगा वहाँ धान काटने वाला ग्रुप में, इसको दे देगा। तो बहुत स्लो पे संभाल संभाल के चलना पड़ता है, ऊपर से स्लिप भी है, बारिश भी गिरा था तो गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है ये सब में। और एक बार गिरने से तो सीधा लुढ़क के नीचे चला जाएगा। कितना दिन का बाद उसके बाद उठेगा होगा पता नहीं। तो मम्मी लोग तो गए हुई है, तभी हम गिन लेके जाएगा वो लोग का साथ। वो लोग का साथ थोड़ा धान काटेगा, अभी वो लोग धान काट रहे। ये अगिन को किसके लिए, हम पर चाकू नहीं पकड़ा है धान काटने के लिए, शायद गब्बर पकड़ा है क्या। अभी जो चाकू पकड़ा है वो धान काटेगा। तो लोग वो ऊपर तक वो जंगल के आसपास तक हम लोग चढ़ के गया था इसला लगाने। तो अभी हम लोग धान काट रहा है पीछे मम्मी भाई। तो धान काट के ये टुकड़ी में जमा करता है, उसका भी इसको हम लोग अब उन्हें पहुँचाएगा इधर तो ये मैं हो। तो ये धान खटाला इसको ऐसे करके टुकड़ी में डालेगा,
पूरा फूल होने तक कटेगा, उसके बाद हमने इसको अबोई ले जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये स्लोप एरिया में कट रहा है, मिथुन का जैसे। इधर पाव खिली जैसे होना पड़ेगा, नहीं तो गिरने का चांसेस बहुत है। तो तेल अभी तक का दान खत्ता लाइए, दान पटने वाला कटने वाला पार्टी। हाय, हमको दिखाई दे रहे हैं, तुम थोड़ा सा काला हो गया शायद। तो दान खत रहे अभी हम लोग, हम तो चाकू नहीं लाया इस दान में खत रहा काल खाएगा। तो चाकू से कट के अगिन में डालता है। समझ लो, तो ये सब। और उधर एक वाला अकेला कट रहा है, ये पूरा खेती इसको कटना है। इधर देखो, जिसको तुम नहीं खाते उसको तुम तोड़ के आओगे। हाँ, वो सबको हम हाथ से तोड़ के आए। ये हाथ नहीं, आयरन है, आयरन। तब तो हम तो चाकू नहीं पकड़े, इसलिए दाल को हाथ से तोड़ेगा, कुछ पोर्शन को दांत से कटके निकालेगा। तो टोटल मेरा थोड़ा ला इतना है, अभी और भी थोड़ेगा। वो सब तो पुराना जमाना का कहावत लोग है ना। थोड़ा कुजली कुजली महसूस हो रहा है। दान ले रहे, कच्चा कच्चा वालों को छोड़ के जो पका पका वाला है उसी को सिर्फ ले रहे हम लोग। दान करते हम लोग वापस जा रहे हैं, दान करते हैं पूरा दिन बरती हुई है तो वापस जा रहे हैं। मम्मी कैमरा में आएगा बोल के पीछे देख रहे हैं। ये तमीश अभी तो नहीं गिरेगा, पहले गलती से स्लिप होके चप्पल स्लिप होके गिरा था ना। तो वो व्यू, वो पहाड़ एरिया व्यू बहुत सुंदर है, बस वो भी देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर है वो एरिया। तभी हम लोग कट के दान मतलब खेती से कट के हम लोग वापस जा रहा है घर की ओर, मतलब टुकड़ी पुल हो गया जो अगी नहीं वो पुल हो गया। तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं घर की। तो क्लाउड्स पूरा क्लियर होने से पूरा बोरी एरिया दिखाई देता है, वो सब जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है नीचे पोर्शन का वो सब घर है, बस्ती है, पूरा बोरी एरिया उधर ही है। तो फाइनली धान कट के हम लोग घर पहुंच गया, जो धान था उसको कट के घर तक पहुंचा लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है
उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए आप आते जो है। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, कीप इंजॉय।